महापौर संदीप जोशी ने मनपा, सिंचाई विभाग, मेट्रो रेल अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अंबाझरी तालाब की सुरक्षा दीवार की मरम्मत तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि अंबाझरी तालाब नागपुर का वैभव है। तालाब जीर्ण दीवार के साथ ही कई हिस्सों में धंसने लगे हैं। तालाब का जतन करना जरूरी है। शुक्रवार को आयोजित बैठक में उप महापौर मनीषा कोठे बागड़े, सत्ता पक्ष उपनेता वर्षा ठाकरे, अपर आयुक्त राम जोशी, सार्वजनिक अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी, उपायुक्त अमोल चौरपगार आदि उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अंबाझरी तालाब के संवर्धन पर 28 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग की तरफ से संबंधित काम किया जाएगा। तालाब के लिए खतरा बन रहे पेड़ों को काटना आवश्यक है। मेट्रो रेल की तरफ से तालाब के पास डाले गए मलबे को तत्काल हटाना होगा। इससे तालाब का सौंदर्य प्रभावित होने के साथ ही खतरा भी है।